वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसे कहीं और ना ले जाएं, सब ब्रांड्स अच्छे हैं मोबाइल फोन्स के। यहाँ पे Infinix Note 7 ने एक अच्छी एंट्री ली थी और अब फिर से इसने Helio P22 के साथ शादी कर ली है, बिकॉज Infinix Hot 9 एंड Note 7 Lite दोनों के प्रोसेसर डिजाइन एवरीथिंग सेम है, बस 7 Lite में आपको मिलेगा साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट, उसमें आपको बैक पे मिलेगा 8000। तो ये इंडियन प्राइस है, तो यहाँ पर हम इसको बैक टू बैक कंपेयर करते हैं, नोट 7 लाइट एंड Infinix Hot 7 उस तरफ, Hot 9 उस तरफ है नोट 7 लाइट। तो यहाँ पर 6.6 इंचेस की दोनों में स्क्रीन है और 128 GB वाली स्टोरेज एक्सपेंड आप कर सकते हो। कैमरा Hot 7 लाइट में 48 MP है और उसमें 16 MP कैमरा है, और यहाँ पर दोनों में 5000 mAh की बैटरी है। Infinix, आपने बहुत अच्छी एंट्री ली नोट 7 के साथ, बहुत ही जबरदस्त प्राइसिंग के साथ। अब यार वापस आपने शादी कर ली P22 के साथ। अब बात करते हैं Infinix Hot 9 की। अब Hot 9 में बस कुछ भी नहीं है, सिंपल सी एक 720p की स्क्रीन है, 5000 mAh की बैटरी है, नो फास्ट चार्जिंग एवर। और एक चीज के नोट 7 लाइट में आई डोंट नो कि फास्ट चार्जिंग है या नहीं है, वो मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा। तो गाइस अभी मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ Infinix Hot 7 लाइट। इसकी कैमराज वगैरह अच्छी है लेकिन आप गेमिंग नहीं कर पाओगे, तो जो नॉर्मल यूज़र है उसके लिए Hot 7 लाइट अच्छा ऑप्शन है, लेकिन फास्ट चार्जिंग इसमें नहीं है। इसमें वही कैमरा है जो नोट 7 में आपको मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपको अपकमिंग वीडियोज़ में पता चल जाएगा कि क्या प्राइसेस होने वाली है Hot 7 लाइट की। प्राइस आने के बाद ही पता पड़ेगा कि वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, तो सब्सक्राइब माई चैनल नाउ। तो Hot 9 सक्सेसर नहीं है भाई, इसमें कोई गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन नहीं है, वही सेम जो कैमरा नोट Infinix Hot 8 में मिली थी वही Infinix Hot 9 में है, तो Infinix को चाहिए थोड़ा बहुत इम्प्रूव करे। तो मेरा ओपिनियन ये है कि आप Hot 9 बाय ना करें। Helio P22 वाला प्रोसेसर जो कि मैं कह रहा हूँ एक बहुत ही बुरी बात है, बिकॉज कूलपैड N5 Lite जो कि छोटा सा ब्रांड, आई थिंक छोटा तो नहीं कहूँगा लेकिन आई डोंट नो कितना बड़ा ब्रांड है, लेकिन इतना इसका नाम नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन इसने जो एंट्री की 2 GB RAM 16 GB स्टोरेज के साथ, उसकी स्नैपड्रैगन 439 प्रोसेसर वो भी सिर्फ 12000 में उन्होंने दी, जो कि बड़ी बात हो जाती है। Helio P22 से थोड़ा आगे बढ़ो यार, G70 पे आए फिर वापस। तो Infinix Hot 9 मैं नहीं मानता कि सक्सेसर होगा Hot 8 का, बिकॉज Hot 8 में वही सेम चीज़ें हैं जो Hot 9 में ही है, बस यहाँ पे आपको डिज़ाइन अच्छी लगेगी, बस दूर से अच्छा दिखना चाहिए फोन, भाड़ में जाए क्या भी स्पेसिफिकेशन हो ये सोच के मत खरीदना बस। और वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और आप मुझे बताना Hot 9 आप लोगे या नहीं। इसमें भी पंच होल डिजाइन है, तो देखते हैं कौन खरीदता है कौन नहीं।